हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 14, वर्कशीट 14 जो आपकी सोशल साइंस राजनीति विज्ञान की वर्कशीट है। ये वर्कशीट भी पिछली वर्कशीट के कंटिन्यूएशन में पावर शेयरिंग यानी सत्ता में साझेदारी पर है। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था बेल्जियम नाम की कंट्री में पावर शेयरिंग कैसे होती है, वो हमने एग्जाम्पल देखा था। इस वर्कशीट में हम श्रीलंका, जो हमारा पड़ोसी देश भी है, उसमें पावर शेयरिंग कैसे की गई है, डेमोक्रेसी कैसे है वहां पर, हम उसे देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। सो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड नेशन है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो भारत में अगर हमारी जो मोस्ट सदर्न स्टेट है तमिलनाडु, उससे उसी के एंड से हम अगर साउथ में और जाएंगे तो हम श्रीलंका पहुंच जाएंगे। इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 2 करोड़, इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के जो बाकी देश हैं, उन्हीं की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। वहां पर भी बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत विविधता है। अब ये डाइवर्सिटी कैसे है, ये आप यहाँ के एथनिक कॉम्पोजिशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, दोनों ही वर्कशीट में हिंदी और इंग्लिश में सेम ग्राफ दिया हुआ है, जो आपको श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है उसके बारे में बताता है। तो अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें तो श्रीलंका में 74% जो पॉपुलेशन है वो सिंहला कम्युनिटी को बिलोंग करती है। 11.1% पॉपुलेशन श्रीलंकन तमिल्स की है, 1.2% पॉपुलेशन इंडियन तमिलियंस की है और 9.3% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। तो इंडियन तमिल्स ही वो तमिल्स हैं जो बहुत ब्रिटिश राज्य के टाइम पर प्लांटेशन के लिए, कोलोनियलिज्म के टाइम पर प्लांटेशन के लिए इंडिया से वहां पर श्रीलंका में जाकर बस गए थे। तो उनका एक्चुअल ओरिजिन तो इंडिया में है, लेकिन कई जनरेशंस वहां पर श्रीलंका में रह रही हैं। और श्रीलंकन तमिलियंस वो हैं जो श्रीलंका में ही है लेकिन वो तमिल भाषा बोलते हैं, और सिंघला कम्युनिटी जो है वो सिंगली भाषा बोलती है, और वहां पर मुस्लिम्स भी हैं। तो ये वहां पर श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन है। श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। सो 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। द लीडर्स ऑफ द सिंघला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, सिंघला कम्युनिटी जो है, सिंगली कम्युनिटी जो है, वो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, वो बहुसंख्या में है। तो जो सिंगली समुदाय के लोग थे, वहां के जो नेता थे, उन्होंने अपनी बहुसंख्या के बल पर, अपनी मेजोरिटी के बेसिस पर, उन्होंने ये कोशिश की कि वो गवर्नमेंट पे अपनी डोमिनेंस कर ले, कि वो शासन में अपना प्रभुत्व जमा सके। इसके रिजल्ट से क्या हुआ, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिंघला सुप्रीमेसी। तो वैसे तो इस कंट्री में, वैसे तो श्रीलंका में डेमोक्रेसी है, लेकिन जब मेजोरिटी लोगों ने अपने बहुसंख्यक होने की वजह से वहीं से सिंघला कम्युनिटी से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए, तो जो वो गवर्नमेंट जो क्रिएट हुई उसने फाइनली कई ऐसे कदम उठाए जिससे जो मेजोरिटेरियन मेजर थे, जो बहुसंख्यक परिस्थिति जो थी वो एस्टैब्लिश हो गई, और जो सिंगली कम्युनिटी थी, सिंगली समुदाय जो था, सिंगला सुप्रीमेसी जो थी वो एस्टैब्लिश हो गई। तो सिंगली समुदाय जो है उसने सबके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो इस एक्ट जो ये जो एक्ट था 1956 में ये एक्ट आया, जिसकी वजह से सिंगली समुदाय जो है वो सबके ऊपर मेजॉरिटी में आ गया। उस एक्ट के कुछ की फीचर्स इस तरह से थे, सिंगला वॉज रिकग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस तमिल लैंग्वेज वॉज डिसरिगार्डेड। तो जहां पर यहाँ डाइवर्स कंट्री थी ये और अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, पर उसके बावजूद सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। अब इंडिया में भी ये सिचुएशन है, इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कोई भी जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है,
इंडिया में हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है लेकिन बाकी जो और लैंग्वेजेस है उन्हें भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है लेकिन कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो परंतु श्रीलंका में ये हुआ कि वहां पर सिंहली को राजभाषा बना दिया गया, इस वजह से जो तमिल भाषा थी उसकी उपेक्षा की गई, वो डिसरिगार्ड हो गई। अब सेकेंड कानून जो आया था यहाँ पर 1956 एक्ट श्रीलंका में, वो था स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, तो बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण मिला। अब ऐसा क्यों हुआ? बौद्ध धर्म जो था वो सिंहला कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म को स्टेट प्रोटेक्शन दिया। तो कोई भी अगर इश्यू होता है बुद्धिज्म के मामले में, कोई भी इश्यू अगर खड़ा होता है तो राज्य जो है वो बौद्ध धर्म का संरक्षण करेगा। अब थर्ड फीचर ये आया कि सिंहला एप्लीकेंट्स वर प्रिफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में जो लोग सिंहली भाषा को जानते थे उन्हें प्राथमिकता दी गई, उन्हें प्रेफरेंस दी गई। तो अब ऑब्वियसली बात है, जब इस तरह के स्टेप्स लिए गए तो ऑल दीज मेजर्स कमिंग वन आफ्टर दी अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि जब ऐसा हुआ, एक के बाद एक जब ऐसे कानून बनाए गए, तो दोनों ही जो समुदाय थे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे और जो सिंगली समुदाय था, दोनों में ही बहुत ज्यादा मनमुटाव बढ़ गया। तो वो जो है श्रीलंकन तमिल्स जो है वो अलगाव फील महसूस करने लगे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड सून इट टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। तो इन दोनों, ये जो दोनों कम्युनिटीज थी इसमें बहुत ही ज्यादा मनमुटाव बढ़ गया, इसमें आपस में इनका विश्वास उठ गया और इस वजह से श्रीलंका में ये सिचुएशन आ गया कि वहां पर बहुत ही ज्यादा झगड़े होने लगे और वो झगड़े इस लेवल पर बढ़ गए कि उस कंट्री में, श्रीलंका में, सिविल वॉर की कंडीशन आ गई। तो 1980s के अराउंड ये सिविल वॉर शुरू हुई थी और अभी बहुत रिसेंटली ही 2009 में जाकर ये सिविल वॉर खत्म हुई है। तो अभी देख लेते हैं सिविल वॉर का क्या मतलब है और मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है। ये दो वर्ड्स हैं, मेजर वर्ड्स जो आपको यहाँ पर इस वर्कशीट में बताए गए हैं। तो सिविल वॉर इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विदिन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपियर्स लाइक अ वॉर। तो सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, ये किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो जब भी कोई भी कंट्री में कोई ऐसे कम्युनिटीज हो जाए या ऐसे कोई समुदाय या ऐसे समूह हो जाए जो आपस में इतनी वायलेंटली, इतनी हिंसक तरीके से लड़ने लगे कि वो इतना बड़ा रूप ले ले कि वो युद्ध सा लगने लगे, तो उसे सिविल वॉर या गृह युद्ध कहते हैं। अब दूसरा वर्ड यहाँ पर, मेजर वर्ड आपको दिया गया है मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब बहुसंख्यकवाद। सो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? इट्स अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो बहुसंख्यकवाद एक मान्यता है, ऐसा माना गया है इसके अंतर्गत कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, अगर कोई समुदाय मेजोरिटी में है, मेजोरिटी मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर्स उस कम्युनिटी के हैं उस देश में, तो वह अपने मनचाहे ढंग से, वो अपनी मर्जी से देश का शासन कर सकते हैं और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय मतलब जो माइनॉरिटी में लोग हैं, जो लोग कम नंबर्स में हैं, उनकी जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकते हैं। मतलब अगर उनकी माइनॉरिटीज की कोई नीड्स है या इंटरेस्ट है, जो विशेज हैं, वो उन्हें भी डिसरिगार्ड कर सकते हैं, उन्हें भी इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एक बिलीफ है, ये एक मान्यता है। तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म है क्योंकि वहां पर सिंगली समुदाय को, सिंगली कम्युनिटी को, सिंगला कम्युनिटी को बहुत ज्यादा वहां पर तवज्जो दी गई है, बहुत ज्यादा वहां पर उनको हाईलाइट किया गया है और वो अपनी मर्जी से गवर्नेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई वर द तमिल्स इन श्रीलंका हैविंग द फीलिंग ऑफ एलियनेशन?
तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्कशीट में भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। हम भी आपको यहाँ सैम्पल आंसर दिखा देते हैं ताकि आप इजीली यहाँ इस आंसर को लिख सके। और अगर आपको ये आंसर समझना है तो आप फिर से वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये आंसर वहीं से मिल जाएगा। बट इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन टू अब आपका आ जाता है, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, हाउ डज इट हार्म एनी कंट्री, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो बहुसंख्यकवाद क्या है, ये जो ये बबल आपको दिया गया है यहीं से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि बहुसंख्यकवाद मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर तो आपकी वर्कशीट में नहीं है इसलिए हम आपको उसका उत्तर जो है सैम्पल आंसर्स में लिखकर दे रहे हैं, लेकिन समझाने के तौर पर आपको बता देती हूँ कि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि मेजोरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यकवाद एक कंट्री को हार्म कर सकता है, स्पेशली कोई डाइवर्स कंट्री हो, कोई विविध कंट्री हो जहां पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हों, तो ऐसी सिचुएशन में वो डेफिनेटली अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको अलगाव महसूस होने लगता है, और जो उसकी वजह से अलगाव की फीलिंग, एलियनेशन की फीलिंग की वजह से जो डिससैटिस्फैक्शन और डिस्ट्रस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो आ जाता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनमें जो अविश्वास की भावना आ जाती है, उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट फैल जाएगा, पूरे देश में कॉन्फ्लिक्ट फैल जाएगा, झगड़े बढ़ जाएंगे, जिससे कि एंड में सिविल वॉर, गृह युद्ध की सिचुएशन भी आ सकती है। तो एक तरह से ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उस कंट्री में, इसीलिए मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका, इफ यू वर आस्क्ड टू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग पीस इन श्रीलंका, व्हाट सजेशंस यू माइट हैव गिवन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि श्रीलंका में शांति कैसे लाए जाए, तो उसके लिए अगर आपको कोई उपाय सुझाने हो तो आप क्या सुझाव देंगे, ये प्रश्न है। अगर आप चाहें तो अपने भी इसमें सुझाव आप दे सकते हैं, आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में, आपने एक बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा है, आपको अपनी कंट्री का भी एग्जाम्पल पता है, अब आपको श्रीलंका का भी पता है कि वहां क्या सिचुएशन है, तो इन सबको देखते हुए आप कौन से उपाय सुझाना चाहेंगे, आप वो यहाँ लिख सकते हैं। हमने भी आपको एक सैम्पल आंसर दिया है जिसमें हम कह रहे हैं कि ऐसे अमेंडमेंट्स ला सकते हैं जिससे कि पावर शेयरिंग पॉसिबल हो, तो अगर हम सत्ता में साझेदारी ले आए इस कंट्री में, तो जितनी भी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो सिंगला कम्युनिटी हो, चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हो, चाहे वो इंडियन तमिल्स हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, अगर उन सब में बहुत ही म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीके से, जिसमें सब स्वीकारे, ऐसे तरीके से अगर पावर शेयरिंग की जाए, सत्ता में साझेदारी की जाए, तो वहां पर शांति आ सकती है। साथ ही साथ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के आइडियल्स को अगर फॉलो किया जाए, बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा जाए, श्रीलंका के लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, और साथ ही साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो फीलिंग्स है और जो उनकी नीड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको अगर रिस्पेक्ट किया जाए, और साथ ही साथ मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद में अगर बिलीव ना रखा जाए, तो एक यूनाइटेड नेशन खड़ा हो सकता है, तो श्रीलंका में शांति आ सकती है। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की जातीय विशेषता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो जातीय विशेषता जो है आपकी, तो ये जो ऊपर आपको वर्कशीट में ग्राफ दिया गया है उसी के बेसिस पे आपको ये आंसर लिखना है। तो बेसिकली आपको ग्राफ को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको ये आंसर लिखना है। हमने आपको यहाँ सैम्पल आंसर भी दिखा दिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अब इसके बाद चलते हैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट पर। अब आपकी इंग्लिश की वर्कशीट देख लेते हैं, वो है वर्कशीट नंबर 14। ये वर्कशीट जो है आपका चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड, फर्स्ट फ्लाइट में से लिया गया ये चैप्टर है, उस पर बेस्ड है।
तो सबसे पहले ये वर्कशीट आपकी शुरू होती है एक कोट से. तो इस कोट में लिखा है, फेथ इज लाइक वाईफाई, इट इज इनविजिबल बट इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड. तो फेथ जो है, किसी में विश्वास जो है, वो आपके वाईफाई की तरह है. वो आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन उसमें इतनी पावर है कि जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिस चीज की आपको जरूरत है उससे आपको वो जरूर कनेक्ट करवा देता है. तो इसी कोट से शुरुआत करते हुए जो आपकी स्टोरी है उस पे से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है. तो जल्दी से ये पढ़ लेते हैं. ये पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट है. आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. तो मैं इसको पढ़ देती हूँ एक बार. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. तो जो घर था वो पूरी वैली में एक ही घर था, और वो लो एक जो छोटे छोटी सी वहां पर हिल थी, छोटा सा माउंटेन एरिया था, उसके बिल्कुल कोने पर था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. तो उस हाइट पर, उस घर की हाइट पर से आप कोई देख सकता था बड़ी इजिली, वहां पे जो नदी थी उसको देख सकता था, और साथ ही साथ खेत में जो मक्के की, कॉर्न की जो फसल लगी हुई थी और उसके ऊपर जो फूल खिले हुए थे, जिससे जिससे पता चलता था कि फसल अच्छे से लगी है, उसको वो बड़े आसानी से उस हाइट पर से कोई भी अगर चाहे तो वो देख सकता था. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शार. तो हार्वेस्ट जो थी उस खेत में वो ऑलमोस्ट रेडी थी, और बस थोड़ी सी अगर जरूरत थी तो बस एक हल्की सी बारिश की जरूरत थी ताकि हार्वेस्ट और अच्छे से खिल जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. तो पूरी सुबह, जो पूरी सुबह थी, लेंचो इस स्टोरी में कैरेक्टर है. लेंचो ने क्या किया था? उसने कुछ नहीं किया था, बल्कि पूरी सुबह उसने आसमान की तरफ देखा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा था. वो इसलिए देखा था क्योंकि वो अपनी फील्ड्स को, अपने खेत को बहुत ही इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब बहुत ही क्लोजली, बहुत ही पास से जानता था, बहुत ही अच्छे से जानता था. तो उसे पता था कि बस इसको नॉर्थ ईस्ट में से, आसमान की तरफ से जब बारिश आएगी, इसको बस वो ही चाहिए. तो पूरी सुबह लंचो ने उसी तरफ देखते हुए निकाल दी थी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन. तो ये देखते देखते वो बस सुबह से यही कहे जा रहा था अपनी वाइफ को कि हम अब जरूर, थोड़ी तो बारिश आज होने वाली है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. तो उसकी जो वाइफ थी, उसने वो जो खाना बना रही थी, उसने उसे रिप्लाई किया, उसने आंसर किया कि हाँ, भगवान ने चाहा तो जरूर बारिश होगी. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. तो जैसे ही वो खाना खाने लगे, तब जैसे लेंचो ने सोचा था, जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था, जैसे उसने ये फोरकास्ट किया था कि बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े जो बादल थे वो आने लगे, वहां से उन्हें देख सकते थे कि वो इस तरफ आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा जो थी वो बहुत ही फ्रेश थी, बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही ठंडी हवा थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. द मैन यहाँ पर मतलब लेंचो. तो लेंचो, जैसे ही ये मौसम बदलने लगा, तो लेंचो जो है वो बाहर गया. कोई कोई खास रीजन नहीं था, बस वो बाहर जो बारिश की बूंदे थी उसे अपनी बॉडी पर बस अच्छे से फील करने के लिए वो बाहर गया. विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. तो बड़े ही उसने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से अपनी फील्ड की तरफ देखा जिसमें फूल लगे हुए थे, और इमेजिन करने लगा कि बस अब थोड़ी ही देर में अच्छे से यहाँ पर प्यारी सी बारिश हो जाएगी और मेरी हार्वेस्ट तैयार हो जाएगी. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल. लेकिन अचानक से क्या हुआ? अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी, और तेज हवा के साथ बहुत सारे ओले भी गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. तो जो ओले थे वो कितने बड़े थे? वो इतने बड़े थे कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से बड़े बड़े सिक्के गिर रहे हों.
The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो उसके जो बेटे थे लेंचो के वो एकदम से भागे बारिश में ताकि वो ओलों को इकट्ठे कर सके और उनकी हार्वेस्ट जो हो वो बच जाए. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था. जो उसकी कॉर्न, जो मक्के की उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी. इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. उसके जो फूल थे पेड़ों पर, जो फूल थे जो पकने वाले थे, वो भी पूरी तरह से खराब हो चुके थे. और लेंचो की जो आत्मा थी वो अंदर तक दुख से भर गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing." तो जब ये finally जो storm था, जो तूफान था, जब वो चला गया, तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा कि locust का अगर plague आता, locust एक तरह के insects होते हैं जो पूरी crop को खराब कर देते हैं. अभी आपने last worksheet में भी एक letter लिखा था अपने friend को locust के ऊपर ही, तो ये उसी लोकस की बात कर रहा है. कि तो लेंचो कहता है कि अगर लोकस आता तो शायद वो भी हमारी फसल इतनी बर्बाद नहीं करता जितनी इस हेल स्टॉर्म ने, जितने इन ओलों ने कर दी है. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. तो ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा. अब इसी पैसेज पर आपके क्वेश्चंस बेस्ड हैं, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसकी पहली लाइन में ही है. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. ठीक है, आप इसी आंसर को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं. लेंचोज हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम वेयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड. ये हम आपको सैम्पल आंसर में भी दिखा देंगे. क्वेश्चन टू पर चलते हैं. What could be seen approaching in the northeast? Northeast में से क्या approach हो रहा था? तो again इस paragraph में इसका answer है. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. ये आपका answer two है. बहुत ही direct है ये भी. Why did Lencho go out? Lencho बाहर क्यों गया था? तो इसका भी answer direct है. आप ये answer यहाँ लिखेंगे. The man went out. यहाँ पर man की जगह आप लिखेंगे Lencho. तो आप लिखेंगे Lencho went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. ये आपका answer third है. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? तो Lencho ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्यों कहा कि जो raindrops है वो new coins की तरह हैं? तो Lencho के लिए raindrops जो है वो new coins की तरह थी, क्योंकि उसका मतलब तो शुरू में एक बार अगर आप स्टोरी बुक में से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेंचो ये भी कहता है कि रेन जो है वो कॉइन्स की तरह है. तो ओरिजिनली लेंचो ये इसलिए कहता है क्योंकि उसका मतलब ये था बारिश आएगी तो फसल और अच्छे से हो जाएगी. जब फसल अच्छे से हो जाएगी तो हम उसे बेच पाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे. लेकिन अब जब रेन आ गई थी और जैसे ही रेन जो है हेल स्टॉर्म में टर्न हो गई, जैसे ही ओले पड़ने लगे, तो रेन ड्रॉप्स जो है एक्चुअली में एक सिल्वर कॉइन्स की तरह, एक्चुअली में सिक्कों की तरह, बड़ी बड़ी बूंदों की तरह गिरने लगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली. तो आपका क्वेश्चन 5 है कि अचानक से रेन को क्या हुआ. तो यहां पर देख लेते हैं, ये है इसका आंसर. सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल. सो द रेन टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म. तो ये आपका आंसर है. उसके बाद क्वेश्चन 6 है. द फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू विच थिंग इन द पैराग्राफ. सो हेलस्टोन्स, So the frozen pearls refers to hailstones in the paragraph. फिर next question है, what were Lencho's feelings when the hail stopped? Why? So when the hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. तो ये जो आपका paragraph है, last paragraph है, इसी में से आपका answer है. लेकिन आप थोड़ा इसको ऊपर नीचे करके लिखेंगे, आप sentences थोड़ा सा left right करके लिखेंगे. तो वो कैसे लिखेंगे वो हम इस sample answer में आपको दिखा देते हैं.
तो व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड द हेल हैड लेफ्ट नथिंग फॉर लेंचोज हार्वेस्ट. ये आपका आंसर 7 है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8 है. क्वेश्चन 8 आपका कहता है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स. तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं. आपको सेम सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढने हैं पैसेज में से और ऑप्शन यहाँ से टिक करना है. तो पहला क्वेश्चन है वेरी क्लोजली. ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं टोटली या इंटीमेटली. जैसे कि आपने पैराग्राफ में ध्यान से सुना होगा स्टोरी में, तो टोटली का मतलब होता है पूरी तरह और इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत पास से, बहुत अच्छे से. सो वेरी क्लोजली विल मीन इंटीमेटली. नेक्स्ट है आपका फोरकास्ट. इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको प्रेडिक्टेड एक्सप्रेशन. तो अगेन फोरकास्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई भविष्य बताना, तो इसी तरह से प्रेडिक्टेड का भी मतलब है आप प्रेडिक्शन करते हैं, तो प्रेडिक्टेड का सिमिलर मीनिंग है एज टू फोरकास्ट. सी है आपका कंटेंडेड. इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं ड्रेप्ड और सैटिस्फाइड. ड्रेप्ड का मतलब होता है ढका हुआ और सैटिस्फाइड का मतलब होता है बिल्कुल संतुष्ट. तो कंटेंटेड का भी मतलब होता है संतुष्ट. तो सैटिस्फाइड आपका यहाँ करेक्ट आंसर है. फिर डी ऑप्शन है आपका टू टेक आफ्टर. टू टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी को फॉलो करना या किसी के जैसा होना. फॉर एग्जाम्पल शी टेक्स आफ्टर हर मदर. वो अपने माँ के जैसी दिखती है. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन है रिजेंबल, दूसरा है एक्सपोजिंग. एक्सपोजिंग का मतलब है उसके सामने दिखाना, किसी को दिखाना, एक्सपोज करना. या रिजेंबल मतलब उससे मिलता जुलता. तो ऑब्वियसली टू टेक आफ्टर का भी मतलब होगा रिजेंबल. फिर ई पार्ट है आपका इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स और ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. तो ऐसे इंसेक्ट्स जो बहुत बड़े ग्रुप्स में उड़ते हैं और क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, फसल को खराब कर देते हैं, वो क्या होते हैं. ऑप्शन दिया हुआ है आपको हेल और दूसरा है लोकस्ट. तो ऑब्वियसली हेल का मतलब होता है ओले और लोकस्ट होते हैं वो इंसेक्ट्स जो बड़े बड़े ग्रुप्स में उड़ते हैं और जो क्रॉप्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ये आपके सही आंसर्स हैं. अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पर. गिवन एंटोनिम ऑफ द वर्ड. तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में और आपको ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं. एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स. तो ऑप्शन ए है सैडनेस. क्वेश्चन ए है सैडनेस. इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं प्लेजर और सैटिस्फाइड. तो सैटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट होना और प्लेजर का मतलब है खुश होना, मतलब किसी को खुशी मिलना. तो ऑब्वियसली सैडनेस का मतलब है दुखी होना, तो इसका एंटोनिम होगा प्लेजर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिस्टोर्ड. अब रिस्टोर्ड का मतलब है दोबारा से ठीक कर देना, फिर से उसको ठीक कर देना. यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं फ्रोजन और डिस्ट्रॉयड. फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ और डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बिल्कुल खराब कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना. तो ऑब्वियसली रिस्टोर्ड का एंटोनिम रिस्टोर्ड का ऑपोजिट होगा डिस्ट्रॉयड. अब आपका लास्ट क्वेश्चन है रेफर द ग्रामर वर्कशीट शेयर्ड अर्लियर ऑन पंचुएशन मार्क. पहले आपको पंचुएशन मार्क्स पे एक वर्कशीट दी गई थी, उसको आपको देखना है. फाइंड आउट एन इनसर्कल कॉमा अपोस्ट्रफी एंड कोटेशन मार्क्स इन द पैसेज गिवन अबव. तो जो आपको पैसेज दिया गया है उसमें आपको कॉमा ढूंढना है. कॉमा क्या होता है. कॉमा जहां पर कहीं पॉज लेते हैं वहां पर कॉमा लगता है. जैसे कॉमा, ये जो वर्ड लिखा है कॉमा, उसके बाद जो ये पंचुएशन मार्क लगा है ये कॉमा है. अपोस्ट्रफी, अपोस्ट्रफी होता है ये सिंगल, ये जहाँ द फ्रोजन पर्ल्स पे जो ऊपर अपोस्ट्रफी लगा हुआ है ये अपोस्ट्रफी है. साथ ही ये लेंचोज. तो जब आपको कहीं पर बिलोंगिंग दिखानी होती है तो आप अपोस्ट्रफी और फिर एस लगाते हैं. तो ये अपोस्ट्रफी है ये मार्क. और फिर कोटेशन मार्क्स, तो जब कोई बात करता है तो हम उस बात को अगर डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली कोट करते हैं, तो हम कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं. तो आइए एक बार पैसेज देख लेते हैं और जल्दी से एनसर्कल कर देते हैं कॉमा अपोस्ट्रफी और कोटेशन मार्क्स को. तो पैसेज को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी देखते हैं. इसमें अगर मैं यहाँ इसको देखूँ, इस पहली लाइन में बस एक फुल स्टॉप है,
फिर हम आगे चलते हैं दूसरी लाइन, यहाँ पर भी बस एक फुल स्टॉप है, फिर तीसरी लाइन में भी फुल स्टॉप है, फिर थ्रू आउट द मॉर्निंग लंच हो, यहाँ पर चौथी लाइन में भी फुल स्टॉप है। अब यहाँ पर नाउ वी आर रियली गोइंग टू, अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक कोटेशन मार्क है, तो आप ये एनसर्कल करेंगे, ये कोटेशन मार्क है। हाँ, फिर वाटर के बाद एक कॉमा है, आप ये एनसर्कल करेंगे, उसके बाद वुमन के बाद, जैसे ही स्पीच अब खत्म हो गई है तो ये कोटेशन मार्क है, ये आप एनसर्कल करेंगे। फिर आगे चलते हैं, सपर के बाद एक कोटेशन मार्क, ये कॉमा है, कोटेशन मार्क नहीं, ये कॉमा है। फिर रिप्लाइड के बाद एक कॉमा है, साथ ही साथ रिप्लाइड के बाद जो कॉमा है उसके बाद ही कोटेशन मार्क है, क्योंकि इस वुमन का जो डायलॉग है वो शुरू हो गया है। उसके बाद यस के बाद एक यहाँ कॉमा है, फिर गॉड विलिंग के बाद देखिए कोटेशन मार्क है। अब आगे चलते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट कॉमा, यहाँ पर एक कॉमा है, जस्ट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, अगेन कॉमा है। फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सब में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, सारे में फुल स्टॉप है। फिर ड्रीप डिनर इन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ग्लो, दीज ट्रूली डिड रिजेम्बल्स। अब द बॉयज के बाद यहाँ पर कॉमा है, एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, और फिर एक कॉमा है, रेन के बाद रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, नॉट अ लीव रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फ्लावर्स वर गॉन। यहाँ पर अब लेंचोज, यहाँ पर ये अपोस्ट्रफी है, क्योंकि ये लेंचो की सोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि ये आत्मा किसको बिलोंग करती है, लेंचो को बिलोंग करती है, तो इसलिए लेंचो सोल, ये अपोस्ट्रफी है, यहाँ इसको हम इनसर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पास्ट के बाद एक कॉमा है, उसके बाद यहाँ फिर से लेंचो का डायलॉग शुरू हो रहा है, तो ये कोटेशन मार्क है इधर अपलेग से पहले। बस तो इस वर्कशीट में आपके यही कॉमा, अपोस्ट्रफी और कोटेशन मार्क हैं, आप इसको एनसर्कल कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही है, थोड़ी सी लंबी वर्कशीट थी, पर उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करें वो आपको इमिडिएटली मिल जाए। थैंक यू।